वाराणसी में G20 सम्मेलन की बैठक संपन्न कराएंगे स्पेशल 400, दिया जा रहा है खास प्रशिक्षण। वाराणसी में G20 सम्मेलन की बैठक के पुलिस महकमे के स्पेशल 400 संपन्न कराएंगे। विदेशी मेहमानों का प्रतिनिधि मंडल वाराणसी आएगा तो स्पेशल 400 की टीम उनके लाइजिंग अफसर और PSO के तौर पर काम करेगी। इसके लिए 7 अफसरों की टीम बनाई गई है। यह टीम पुलिस कर्मियों को क्राउड मैनेजमेंट, PSO ड्यूटी, इंटेलिजेंस, कुशल व्यवहार, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आइसोलेशन और VIP प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण दे रही है। 200 पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और शेष 200 भी जल्द ही प्रशिक्षित कर लिए जाएंगे। अफसरों के बाद पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की भी मदद ली जाएगी। G20 सम्मेलन की बैठक के दौरान विदेशी प्रतिनिधि मंडल के समक्ष पुलिस विभाग की एक अच्छी छवि प्रस्तुत हो, इसके लिए इन दिनों जोर शोर से कवायद की जा रही है। कमिश्नरेट के चिन्हित 400 सिपाही, हेड कांस्टेबल, दरोगा और इंस्पेक्टर को VIP प्रोटोकॉल के अनुसार शालीन व्यवहार और बेहतर संवाद का प्रशिक्षण पुलिस लाइन में दिया जा रहा है। सभी को बनारस के महत्वपूर्ण स्थानों और यहाँ के खासे से जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। यातायात और भीड़ प्रबंधन के साथ ही ड्यूटी के दौरान स्मार्ट वर्किंग के बारे में भी बताया जा रहा है। G20 सम्मेलन की बैठकों के दौरान विदेशी प्रतिनिधि मंडल के साथ जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी उन्हें नीले रंग की ब्लेजर और टाई पहननी होगी। ADCP ट्रैफिक DK पुरी ने कहा कि वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस प्रदेश और देश और दुनिया में एक अच्छा संदेश देगी। G20 सम्मेलन की बैठकों के दौरान वाराणसी के पुलिस कर्मी अपने कुशल व्यवहार और बेहतर कामकाज से विदेशी मेहमानों को एक अच्छा अनुभव देंगे। कोरोना महामारी के बाद कार्डिक अरेस्ट के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसके मद्देनजर G20 सम्मेलन की बैठकों में ड्यूटी के लिए चिन्हित पुलिस कर्मियों को कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन CPR का प्रशिक्षण विशेष रूप से दिया जा रहा है। डॉक्टर शिव शक्ति द्विवेदी पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को CPR का प्रशिक्षण देते हैं, फिर अपने सामने ही देखते भी हैं सही तरीके से CPR देने में पुलिस कर्मी दक्ष हो गए हैं या नहीं।